दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया सीरीज स्पोर्ट्स से संबंधित जीके। दोस्तों, यह जीके आपके फिट इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट 2021 में काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित जीके, जो कि इस वीडियो में ये पारंपरिक है और आगे हम और भी अलग अलग तरह के जीके लेकर के आएंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुलेला गोपी चंद का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। दोस्तों, इसमें कुल 10 प्रश्न होंगे। आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन है ए शतरंज, जिसे हम चेस भी कहते हैं, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, डी एथलेटिक्स। प्रश्न है, पुलेला गोपीचंद का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। यानी कि पुलेला गोपीचंद का नाम बैडमिंटन के खेल से जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए तैराकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी मुक्केबाजी। आपको बताना है स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। यानी कि स्पर्श रेखा कबड्डी के खेल से संबंधित एक शब्द है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अर्जुन पुरस्कार किस खेल में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन है ए सिनेमा, बी साहित्य, सी खेलकूद, डी विज्ञान। प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर खेल नहीं होगा, इसमें यहाँ पर क्षेत्र लिखा जाना चाहिए था, किस क्षेत्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खेलकूद। यानी कि अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर देखते हैं 4 की ओर। चौथा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे। आपके सामने ऑप्शन है 1948 में, बी 1938 में, सी 1934 में, या डी 1930 में। प्रश्न है आपका, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। प्रश्न नंबर 5, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए टेनिस, बी वॉलीबॉल, सी कुश्ती, डी तैराकी। आपको बताना है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तैराकी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, मैराथन दौड़ की दूरी होती है। ऑप्शन ए 28 मील 385 गज, बी 24 मील 385 गज, सी 26 मील 385 गज, या फिर डी 25 मील 385 गज।
मैराथन दौड़ की दूरी आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 26 मील 385 गज। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, थॉमस कप का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी बास्केटबॉल। प्रश्न है थॉमस कप का संबंध किससे है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। बैडमिंटन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? घास के मैदान में खेली जाती है। ऑप्शन ए यूएस ओपन, बी फ्रेंच ओपन, सी विंबलडन या डी ऑस्ट्रेलियाई ओपन। आपको बताना है टेनिस के खेल से जुड़ी हुई प्रतियोगिता जो कि घास के मैदान में खेली जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विंबलडन। विंबलडन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। आपको बताना है वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 5, डी 4। आपको बताना है वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या। ऑप्शन नंबर इसका सही है ए 7। आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न है 10वां, गीत सेठी। दोस्तों अगर आपने गीत सेठी का नाम सुना है तो इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। गीत सेठी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, बी बिलियर्ड्स, सी लॉन टेनिस, डी क्रिकेट। आपको बताना है गीत सेठी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी बिलियर्ड्स। तो दोस्तों ये थी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्रश्न पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखें, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।